तो हे गाइस नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ कि आप कैसे एंड्रॉइड का बूट एनिमेशन को iOS में डाल सकते हो। शायद मैंने स्क्रिप्ट गलत बोल दिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ कि आप कैसे एंड्रॉइड में iOS का बूट एनिमेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। जो iOS का एप्पल का जो लोगो है उसको आप अपने एंड्रॉइड में कैसे स्टार्टअप स्क्रीन में सेट कर सकते हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ में आपको स्प्लैश स्क्रीन भी फ्लैश करके बताऊंगा, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और iOS में तो एक ही रहता है बूट एनिमेशन, वही स्प्लैश स्क्रीन के रूप में आता है। एकदम आप ऑन करते हो तो वही एक ही स्क्रीन दिखाई देता है एप्पल का लोगो। लेकिन एंड्रॉइड में अलग अलग होता है, स्प्लैश स्क्रीन और बूट एनिमेशन दोनों अलग अलग होता है। तो गाइस आपको मैं वही फ्लैश करके बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे दो मेथड है यहाँ पे आपको बूट एनिमेशन फ्लैश करने का, गाइस वो दोनों ही प्रोसेस में आज इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पर न तो चैनल को क्या करना है आप सबको पता है। तो गाइस मेरा नाम है अनीश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एंड्रॉइड का एंड्रॉइड 11 वर्जन में हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड 11 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एंसेंट ओएस 5.4 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंटेनर आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अगर इसका रिव्यू चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका छोटा मोटा रिव्यू दे दूंगा। तो गाइस मैं बैक चला जाता हूँ और आपको जो बूट एनिमेशन वो कहाँ से डाउनलोड करने वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐप पे आपको टेलीग्राम में जाना है। यहाँ पे आपको एक चैनल का नेम सर्च कर देना है, ठीक है। तो ये चैनल आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे मांगी बूट लिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे बूट एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गिफ्ट के रूप में भी आते हैं, GIF के रूप में, जो कि यहाँ पे आप देख के अप्लाई कर सकते हो कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये वाला iOS का मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे जो है iOS का ये वाला बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसको सिंपली डाउनलोड करना है और यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश वाया मैजिक्स, ठीक है। तो इसको सिंपली मैजिक्स में फ्लैश करना है। तो मैं जल्दी से मैजिक्स में फ्लैश करके आपको बता देता हूँ कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको इस इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे जो डाउनलोड करके रखा है उसको सिंपली यहाँ पे फ्लैश कर देना है। तो iOS में जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस आप देखते हो तो iPhone+V2 इसको सिंपली क्लिक करो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे फ्लैश होने में, मैं थोड़ा सा आपको फोकस ला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपका जो डिस्कशन ग्रुप है वो भी आपको देखने को मिलता है, सपोर्ट ग्रुप जो आप बोलते हो। इंस्टॉलेशन यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको रिबूट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसका बूट एनिमेशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो ये स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है। ये स्प्लैश स्क्रीन जो एंड्रॉइड की तरफ से आता है, मतलब एंड्रॉइड यहाँ पे रेडमी का लोगो आता है, इसका जगह में साइबर पंक आ रहा है, देख सकते हो। मैंने इसको चेंज कर रखा है। तो इसको मैं अभी चेंज करूंगा iOS में, ठीक है। iOS का मतलब एप्पल का जो लोगो है यहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे ये वाला ला के दिखाऊंगा उसी स्क्रीन में, ताकि दोनों एक ही रहे ना ही सिमिलर रहे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसका बूट एनिमेशन अच्छे से अप्लाई हो चुका है और देखने में iOS का जैसा फील दे रहा है आपको, मतलब एक टाइप का आप जब इसको बूट करोगे ना तो कैसे आपको लगेगा कि आपका फ़ोन iOS है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे मैजिक्स में जाकर दिखा देता हूँ तो कि भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो बूट एनिमेशन वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये वाला iPhone V2 बूट एनिमेशन। यहाँ पे आपको जो मेंटेनर है वो सब दिखाई दे रहा है, iPhone V2 बूट एनिमेशन, भाई यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स मैंने फ्लैश कर रखा है, जो कि इस रोम के बग के वजह से यहाँ पे मुझे फ्लैश करना पड़ा बहुत सारे मॉड्यूल्स। तो गाइस यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ और अभी मैं बात करता हूँ कि भाई आपको अगर ऐसे फ्लैश नहीं हो रहा है, अगर आपके पास दूसरा कोई बूट एनिमेशन है, मान लो आपका कोई दूसरा कोई भी आप बूट एनिमेशन कैसे डाउनलोड किए हो, अभी उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस आप सिंपली ऐसे में भी आप अप्लाई कर सकते हो इस रूट एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकवरी में जाके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए और सब कोई आसानी से कर पाए। तो जल्दी से मैं रिकवरी में बूट करता हूँ, इसको भी चेंज करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद माउंट पे जाना है। माउंट में जाने के बाद आपको एक ये जो सिस्टम है पार्टीशन, इसको माउंट कर देना है, ठीक है। सिस्टम को माउंट करने में आपको यहाँ पे बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो iOS का बूट एनिमेशन है, मान लो कि आपने एक बूट एनिमेशन को डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस मैंने इसको ROG का बूट एनिमेशन को डाउनलोड कर रखा है, इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, गलती मत करना। तो गाइस पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से उसी डायरेक्टरी में जाना है। आपको यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको सिस्टम पे जाना है, वेंडर पे सॉरी प्रोडक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको मीडिया दिखेगा, मीडिया में जाना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो एनिम, मतलब दो यहाँ पे आपको जिप देखने को मिलता है। तो गाइस सिंपली इस वाले जिप को यहाँ पे
हटा दो, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे एज अ बैकअप रखते हैं, ठीक है। तो मैं बैकअप रखता हूँ, तो कहाँ पे रखे इसको, यहाँ पे SD कार्ड 1 में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो SD कार्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं SD कार्ड में ही सेव करूंगा। तो इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लिया। अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो स्टॉक बूट एनिमेशन है, अगर आपको ये वाला बूट एनिमेशन पसंद नहीं है, आप दूसरे में मतलब पहले वाले में जाना चाहते हो, तो कैसे आप जा सकते हो। सिंपली इसको यहाँ पे डिलीट कर देना है, यहाँ पे आपको डिलीट में क्लिक करना है। डिलीट में करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। करने के बाद आपका यहाँ पे जो ROG.zip है, इसको सिंपली यहाँ पे रीनेम करना है बूट एनिमेशन में। तो कैसे मैं जल्दी से रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका बूट एनिमेशन .zip ये एक ही रहेगा, ठीक है। इसमें अगर आप दो बूट एनिमेशन को रखते हो, यहाँ पे सिस्टम का कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे ऐसे ही कर देना है। करने के बाद आपको बूट एनिमेशन यहाँ पे रीनेम कर देना है, बूट एनिमेशन .zip। इसको करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा ROG का बूट एनिमेशन अच्छे से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो ROG का अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने मैजिक्स मॉड्यूल को फ्लैश कर रखा था, ठीक है। तो मैजिक्स मॉड्यूल आप उड़ाओगे तो मैंने उड़ाना भूल गया, इसलिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाला चाहिए तो गाइस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में अप्लाई हो जाएगा आपका। आपको सिंपली यहाँ पे जो ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मैजिक्स वाला मॉड्यूल तो कहा गया, तो इस मॉड्यूल को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो गाइस आपका अच्छे से वर्क कर जाएगा, डेफिनेटली वर्क करेगा 100%, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो गाइस अब बारी है स्प्लैश स्क्रीन की। तो गाइस स्प्लैश स्क्रीन को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली रिकवरी में बूट करना है, जो मैं जल्दी से बूट कर लेता हूँ रिकवरी में। तो गाइस ये वाला जो स्प्लैश स्क्रीन है, ये वाला देख सकते हो साइबर पंक का, यहाँ पे रेडमी का लोगो आता है, आप सबको नॉर्मली पता होगा। आप जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हो तो गाइस उसी ब्रांड का यहाँ पे आपको लोगो आता है। अगर आपका ओप्पो है तो ओप्पो आएगा, लेकिन ओप्पो में आप ये सब नहीं कर सकते क्योंकि ओप्पो में आपको जो बूट एनिमेशन है, मतलब वो जो बूट लोडर है, आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते, इसीलिए ये वहाँ पे झंझट आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो भाई रिकवरी में आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन को इंस्टॉल कर रखा है, मतलब डाउनलोड कर रखा है, उसको सिंपली आपको वहाँ पे ब्राउज करना है, ठीक है। ब्राउज करने के बाद जैसे कि मैंने स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ पे सेव कर रखा है, तो आप कोई भी यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो iOS का जो बूट एनिमेशन, मतलब iOS का जो स्प्लैश स्क्रीन है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि कौन सा बूट एनिमेशन है कौन सा स्प्लैश स्क्रीन है, आप गलती मत करना। तो वैसे यहाँ पे आपको जाना है, सिंपली मैंने जो iOS का बूट एनिमेशन के साथ जो आपको यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलता है, तो इसको सिंपली फ्लैश कर देना है। अब देखो मैंने जो लिंक दिया है आपको, जो मैंने स्प्लैश स्क्रीन का लिंक दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डिवाइस के लिए है, सब डिवाइस के लिए नहीं है, वरना कुछ भी हो सकता है आपके डिवाइस में, अगर आपको यहाँ पे रिकवरी में गलत फाइल फ्लैश करते हो तो। इसीलिए आप अपने डिवाइस का देख लेना। तो मैंने इसको फ्लैश कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब 1001 बूट एनिमेशन। इसका भी डेवलपर अलग है, उसका भी डेवलपर अलग है, ठीक है। तो दोनों का क्रेडिट मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे सिस्टम पे आपको बूट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो चेंज हो चुका है, मतलब एनिमेशन है सॉरी, यहाँ पे जो स्प्लैश स्क्रीन है वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल का स्प्लैश स्क्रीन आ रहा है, और यहाँ पे बहुत ही कूल लगता है। अभी यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के बाद यहाँ पे आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है, अभी डायरेक्ट फोन स्विच ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ये MIUI में भी काम करेगा और यहाँ पे दूसरा कोई भी पोर्ट रोम काम कर जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं काम कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बूट टू फेस हो रहा है, आप मैजिक फोन को फ्लैश करने के बाद आपको बूट लूप वगैरह कुछ आ रहा है, तो गाइस आप सिंपली इस आई वाले वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि आप कैसे फ्लैश कर सकते हो। और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप सिंपली चाहे मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। ऐसे ही मैं धमाकेदार वीडियोस, ऐसे ही मैं धांसू वीडियोस लेके आता रहता हूँ हमेशा। हाँ भाई, यहाँ पे आपको अगर स्प्लैश स्क्रीन चाहिए तो गाइस स्प्लैश स्क्रीन का भी एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है स्प्लैश। यहाँ पे स्प्लैश आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंपली आप अपने डिवाइस का सर्च करो, जैसे कि मैं लेवेंडर यूज़ करता हूँ, मेरा लेवेंडर है, तो कैसे मैं लेवेंडर सर्च करता हूँ, यहाँ पे LAVENDER, तो कैसे मैंने लेवेंडर सर्च कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे लेवेंडर का और रेडमी नोट 7 प्रो दोनों का अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये एक भगवान का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का साइबर पंक का है, आप देख सकते हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लेवेंडर का, अलग अलग यहाँ पे बूट मतलब स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलता है। बूट एनिमेशन के चैनल में आपको बता दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन बहुत टाइप का स्प्लैश स्क्रीन, आप सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने जो स्प्लैश स्क्रीन यूज़ किया था पहले जो साइबर पंक का था, वो भी इसी का था, मतलब इसी चैनल का था,
तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो बहुत ही पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। तो गाइस मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।